हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस 20। आज के जो वीडियो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो 1 टू 50 क्वेश्चन फ्री टेस्ट सीरीज के सॉल्व करके हमने आपको दिया था और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा। यदि आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा। उसके आगे के क्वेश्चन हम 51 टू 100 का यह वीडियो आज हम देखेंगे और ऐसा करके हम अपने पूरे 1 टू 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। जो फ्री टेस्ट हुआ था उसके आंसर डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं वैभव सर से अनुरोध करूंगा कि वह आंसर्स बताएं। नमस्कार, वीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, 51 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे टेस्ट पेपर का, वो है राजिम मेला का समापन कब होता है। ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अब आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कुछ करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, रामनवमी, अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा। तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर है सी, महाशिवरात्रि के दिन राजिम मेला का समापन होता है। इसे अब माघ पुन्नी मेला के नाम से भी जाना गया है। वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन में पहले पूर्ववर्ती सरकार में इसे कुंभ के नाम से जाना जाता था, अभी इसे माघ पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पुरस्कार से संबंधित। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप। आदिवासी सेवा और उत्थान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात कर रहा है और आपने यदि पुरस्कार पढ़ा है तो आप चारों ऑप्शन देखिए, सभी पुरस्कार से संबंधित है। पहला है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, सेकंड है यति यतनलाल सम्मान, तीसरा है गुरु घासीदास सम्मान, चौथा है वीर नारायण सम्मान। अब इसमें जब आप क्वेश्चन यदि आपको आता भी है तो बाकी का आपको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि बाकी कौन कौन से जो सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको पुरस्कार याद हो जाएंगे। यही हमारा टेस्ट पेपर लेने का एक उद्देश्य होता है और आप जब टेस्ट पेपर देते हैं तो आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना जनरल अवेयरनेस को कवर और क्लियर कर पाऊं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते। तो इसको भी बहुत लोगों ने गलत किया। तो आदिवासी सेवा और उत्थान के नाम पे डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान दिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 57 नंबर का क्वेश्चन। बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायण पाल किस शैली में बनाया गया है। ऑप्शन देखिए, चालुक्य शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली या वेसर शैली। तो जब आप बस्तर पढ़ते हैं तो ये तो क्लियर है कि वेसर शैली होगी नहीं, नागर शैली भी इसमें नहीं पाई जाती बस्तर में। अब शैलियां बच गई दो, चालुक्य और द्रविड़। इसमें आपको जो दिक्कत होनी चाहिए ये इन दो ऑप्शन को लेकर होनी चाहिए। लेकिन यदि आपने नारायण पाल को पढ़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ शासन की डायरी आपने देखी हुई है, जनमन आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये है चालुक्य शैली से निर्मित बस्तर का मंदिर। तो आप कभी भी यदि छत्तीसगढ़ को आप पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा क्या कीजिए, आप जनमन को पढ़िए, जो छत्तीसगढ़ संवाद है वहां से जो पत्रिकाएं निकलती हैं उसको आप जरूर पढ़िए। हमारे जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें हम रेगुलर जनमन से ही न्यूज निकाल के आपको देते हैं और जनमन की जो पत्रिका आएगी उसका भी हम आपको एक शॉर्ट नोट बना के उसमें देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, व्यापम और CGPSC के, ये आप याद रखिए, ऑथेंटिक क्वेश्चन आंसर वहीं से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं कार्य सुमेलित है। ऑप्शन देखेंगे, बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ अधिकार, व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा शासन, चिमनाजी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण, पुरसाजी भोसले छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों को सौंपना। यदि आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा है तो उसमें एक मराठा शासन है जो 5 भागों में विभाजित है, तो इसका आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में अधिकार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध
अबुज माणिया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? अबुज माण कहाँ है यदि ये आपको पता है, ये है बस्तर में, बस्तर संभाग में आता है ये, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में नारायणपुर जिला में इसे जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, हलवा विद्रोह, रानी विद्रोह, परलकोट विद्रोह, मुरिया विद्रोह। छत्तीसगढ़ का इतिहास आप पढ़ेंगे 1825 में गेंद सिंह का विद्रोह आपको यहाँ दिखाई देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा इसे, क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन जरूर आते हैं। आंसर है इसका परलकोट विद्रोह। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया है? देखिए, जब हमने क्वेश्चन सेट किया है इस बार आपका टेस्ट पेपर का, तो हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, जो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमने जो पेपर चेक किया है और जो आंसर आए हैं उसमें अधिकतम अंक जो गया है वो 60 से 70 के आसपास ही गया, उससे ज्यादा लोगों ने नहीं बना पाया। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन सरल है लेकिन उसके बाद भी जो एक क्राइटेरिया बन रहा है वो 60 से 70 का बन रहा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कलचुरी वंश, सोम वंश, पल्लव वंश और शरबपुरी वंश। किस वंश ने किया? तो शरबपुर वंश है ये। नेक्स्ट देखेंगे हम 61, 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की? पत्रिका और पत्रिकाओं में आपको हमेशा याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण जितने भी लोग हैं उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका निकाली है ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और माधवराव सप्रे। इसका आंसर है सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गोन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए थे? ऑप्शन देखिए, डोंडी रोहारा, गंडई, तमोरा और बद्राटोला। इसका आंसर है बद्राटोला। अब यदि आपको इसमें देखिए दो तीन चीजें आपको मिलनी है, एक तो 21 जनवरी 1939 मिल रहा है, दूसरा रामाधीन गोड मिल रहा है, तीसरा जंगल सत्याग्रह मिल रहा है और चौथा आपका आंसर है बद्राटोला। तो ये आपके नोट्स में आ जाना चाहिए कि बद्राटोला जंगल सत्याग्रह में रामाधीन गोन की मृत्यु 21 जनवरी 1939 को हुई। अब यहां से कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा, तो ऐसा आप अप्रोच रखेंगे तो आपको टेस्ट हमेशा काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 63, छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति का अध्ययन किसने किया? ये क्वेश्चन लेने का उद्देश्य ये है कि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें इतिहास जो है, इतिहास में अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन देखिए, स्मिथ, स्कॉट, रिचर्ड टेंपल और आउट्रम। तो इसका आंसर है आपका रिचर्ड टेंपल, इसको क्लियर कट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, इसके लिए आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, सुंदरलाल शर्मा, धनी धर्मदास, तीसरा दलपत राम राव और वीर नारायण सिंह। तो इसका आंसर है दलपत राम राव। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 65 नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर है? ऑप्शन देखिए, 56.32%, 60.24%, 62.27%, 64.73%। अब 2011 की जनगणना इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे 10 साल हो गए और 2021 की जनगणना का काम अभी वर्तमान में चालू हो गया है। तो 2011 की जनगणना आप मान के चलिए, इस साल के प्री में 2 से 4-5 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, या व्यापम में या पीएससी में, तो इसको आपको अच्छे से करना है। इसका आंसर है बी, 60.24%। इसे आपको लेके विवाद भी आप कर सकते हैं लेकिन जो अभी ऑथेंटिक सोर्सेस में जो आंसर है वो है 60.24%। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? सीधा सीधा है, इसका आंसर आप ले लीजिए, इसका आंसर है सी, 16 जुलाई 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? ये कला की बात कर रहा है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं देखिए,
ऑप्शन देखिए, चंदैनी गोंदा, पंडवानी, नाचा, लोरिक चंदा। तो इसका आंसर आपको लेना है चंदैनी गोंदा। ये लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक नाट्य भतरा नाट के संबंध में सही है? यह एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता है। भतरा नाट आप जानते हैं बस्तर से संबंधित है, और इसका सही, इसमें पूछ रहा है कि सही क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। ये बिल्कुल सही बात है, बाकी के तीनों जो चीजें हैं वो सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार संबंधित है विज्ञान, कला, इतिहास और नृत्य। यह भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत लोगों ने नहीं किया है। इसका आंसर है विज्ञान। ये सीधा सीधा आंसर, ये क्वेश्चन पूछने का कारण ये है कि शांति स्वरूप भटनागर, इस नाम से लोग अमूमन इसे गलत करते हैं, तो आप ये देखिएगा इसका आंसर है विज्ञान। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के नोबल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नोबल में यदि आपको बहुत याद रखना है तो शांति और अर्थशास्त्र, ये दो आपको हमेशा याद रखने तो सब है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमी और शांति। ऑप्शन देखिए, हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। नेक्स्ट है विश्व खाद्य कार्यक्रम, थर्ड है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा है रोजर पेनरोज। तो ये इस बार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अब देखिए, यदि आप सूचकांक बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो यदि हम नवाचार की बात करें, इनोवेशन अभी वर्तमान में जो केंद्रीय सरकार है वो उसमें बहुत ध्यान दे रही है, नीति आयोग जो है वो उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने ये इस क्वेश्चन को लिया है। इसका ऑप्शन देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो इसका आंसर है आपका कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, कोवैक्सीन को किसने तैयार किया है? आप यदि रेगुलर समाचार पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। इसका आंसर भारत बायोटेक है। सीरम जो है वो कोविशील्ड का निर्माण करती है, मॉडर्मा भी वैक्सीन का ही निर्माण करती है, लेकिन वो विदेशी वैक्सीन है। कोवैक्सीन जो है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है। ठीक है, तो इसे आप हमेशा याद रखेंगे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दो नाम आपको हमेशा चर्चा में अभी मिलेंगे, तो इसे बिल्कुल याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। ये आपको पता करना चाहिए कि इसे कौन प्रदान करता है। पहला आपका जो नोट्स बनेगा वो करना है आपको, ठीक है, दूसरा जो आपको करना है वो ये करना है कि इसे कब कब किन किन लोगों को दिया गया, और साथ ही पहला पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, ये आपके नोट्स में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, फिर है शेख मुजीबुर रहमान, तीसरा है योहेई ससाकावा और डी ऑप्शन है एकल अभियान ट्रस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, शेख मुजीबुर रहमान। ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, तो आप देख लेंगे किन किन समय पर गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, उसे आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकरी में दिगंत के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इस साल का, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन देखिए, चंद्रशेखर कंबर, अनामिका, नंद किशोर आचार्य और चित्रा मुद्गल। इसका आंसर है बी, अनामिका, बहुत चर्चित रही इस साल, जैसे ही साहित्य अकादमी मिला, टोकरी में दिगंत के लिए, हिंदी भाषा के लिए उन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने भारत को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? आपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और इसे दो टीमों के बीच खेला गया या दो देशों के बीच खेला गया। 144 साल में ये पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिकेट के लिहाज से और करंट अफेयर्स के लिहाज से। तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला गया था। अब आप ऑप्शन से समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से आ गया ये क्वेश्चन फिर से। इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे ही हम इतिहास पढ़ते हैं, हम कलचुरी पढ़ते हैं, कलचुरी शासन, तो हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, पाली, तुम्मान, रतनपुर और सिरपुर। इसका आंसर आएगा तुम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व लेमरू हाथी रिजर्व में शामिल वन मंडल है। ये बहुत चर्चा में बना हुआ है, लेमरू हाथी रिजर्व जो है। अभी वर्तमान में ही मोहम्मद अकबर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कोयला खदान को लेकर जो इस रिजर्व में कोयला खदाने हैं उसकी जो क्लियरेंस दी गई है उसके लिए इन्होंने एक पत्र लिखा है केंद्रीय पर्यावरण मिनिस्टर को। तो इसलिए बहुत चर्चा में बना हुआ है। इसका जो रिजर्व एरिया का जो कोर एरिया है उसे भी कम किया गया है। तो ये आप इस साल तो आप लेमरू हाथी रिजर्व को ध्यान से देखेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन देखिए, सरगुजा, कोरबा, करतला, धरमजयगढ़। नेक्स्ट है सरगुजा, जशपुर, कोरबा, कटघोरा। तीसरा है कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़, सरगुजा। चौथा है कोरबा, कटघोरा, सरगुजा और करतला। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ और सरगुजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स में ये होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1858, 1884, 1871, 1853। ये छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सरगुजा और बस्तर चूंकि जनजातीय एरिया है इसलिए इसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका आंसर है 1871। ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है इसलिए इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में कौन शामिल हुए थे? ये छत्तीसगढ़ के संबंध में है। ऑप्शन देखिए, रामानुज प्रताप सिंह देव, राम शरण सिंह देव, रामचंद्र सिंह देव, राजमोहिनी देवी। तो गोलमेज सम्मेलन से हमें पता है रामानुज प्रताप सिंह देव जो हैं वो छत्तीसगढ़ से शामिल हुए थे रियासतों की तरफ से। नेक्स्ट है, सर्वपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए? ऑप्शन देखिए, शरभराज, नरेंद्र, सुदेवराज और प्रसन्न मात्र। तो आपको यदि इसका आंसर नहीं भी आता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि सर्वपुरी राजवंश में सबसे ज्यादा हम किसको पढ़ते हैं? तो हम किसे पढ़ते हैं, प्रसन्न मात्र को पढ़ते हैं, मल्हार के लिए पढ़ते हैं उन्हें। तो ये आप इसमें यदि आप थोड़ा सा एक ये लेंगे कि दो ऑप्शन आप हटाएंगे तो भी यदि आप प्रसन्न मात्र को इसमें लगाते हैं तो आप सही हो जाएंगे। तो प्रसन्न मात्र इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पंचायतों से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में सरपंच, उप सरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? पिछले यदि हम दो साल को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में पंचायतों से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको पंचायत और नगर पालिका दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके लिए हम अलग से ही वीडियो आपको बना के देंगे पूरी पंचायतों की और नगर पंचायतों की। इसलिए ये जो क्वेश्चन लेने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि आपको पंचायत और नगर पालिका हमेशा क्लियर रहे। ऑप्शन देखिए, 6 माह की अवधि तक, 1 वर्ष की अवधि तक, 2 वर्ष की अवधि तक, 2.5 वर्ष की अवधि तक। तो जैसा हमें पता है 1 वर्ष की अवधि तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 वर्ष की अवधि तक। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखें, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 से लागू है, केवल ग्राम पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं,
पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, इनमें से कोई नहीं। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 से लागू है, ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि 2000 में निर्माण हुआ छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट देखिए, केवल ग्राम पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, जनपद और जिला के भी चुनाव कराए जाते हैं। तीसरा है, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है, पहले 33% था, अभी वर्तमान में 50% है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? ऑप्शन देखिए, दुधवा, हसदेव बांगू, गंगरेल और सिकागार। हसदेव बांगू और गंगरेल तो आप हटा ही दिए होंगे, दो ही ऑप्शन आपके पास बचे, दुधवा और सिकासार। तो सिकासार में भी जल विद्युत परियोजना है, ये हमें पता है, दुधवा जलाशय इसका आंसर आएगा। अब आपको इसको यदि अपने आपको रिकॉल करना है अपने करंट अपने जो नॉलेज को, तो आप क्या करेंगे, हसदेव बांगू किस नदी पर है, गंगरेल किस नदी पर है, सिकासार किस नदी पर है, और ज्यादा आपको इसको करना है तो क्या करेंगे आप, हसदेव बांगू कब बना, गंगरेल कब बना, सिकासार कब बना, ऐसे करके आप अपना जो नॉलेज है उसे आप रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र नहीं है, नयनपुर गिरवरगंज, हरिन छपरा, बिरकोनी और दगोरी। अब ये सभी जो है ये कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र नहीं है, इसका आंसर आएगा दगोरी। ठीक है, जब भी आप उद्योग पढ़ेंगे, जब भूगोल में ये आता है, ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तब आप उसमें ये देखेंगे। नेक्स्ट है, कमार द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, डाहिया, बेवा, पेदा या झूम। इसका आंसर है डाहिया या दाही। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक थे, श्यामाचरण दुबे, माधवराव सप्रे, केशव प्रसाद, रविशंकर शुक्ल। तो प्रथम दैनिक समाचार पत्र आपको पता है महाकौशल, 1951 में ये प्रसारित हुआ था और इसके संपादक थे रविशंकर शुक्ल, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के बदले अन्य फसल उपजाने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि मिलेगी? ऑप्शन है 20,000, 30,000, 40,000 और 10,000। इसका आंसर आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कोरोना से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये इस साल। ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, छत्तीसगढ़ दुलार योजना, इनमें से कोई नहीं। यदि आप फेसबुक में सीएमओ को फॉलो करते हैं, सीएमओ छत्तीसगढ़ को या भूपेश बघेल को, तो आपको इसका आंसर मालूम चल जाएगा। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वह है, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही का यह एक स्थापना है, पर आया हुआ यह आर्टिकल है और हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसको पोस्ट किया था। तो यहाँ जिला पूछ रहा है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या बलौदा बाजार। तो आंसर जो आ जाएगा उसका आ जाएगा रायपुर जिला में यह स्थापित किया गया, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट अफेयर्स में आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक और करंट से ही क्वेश्चन है कि किसको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? हमेशा से क्वेश्चन यहां से बनते हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है जस्टिस प्रशांत भूषण, दूसरा है जस्टिस शशि भूषण, तीसरा जस्टिस प्रशांत मिश्रा और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर जो आ जाएगा वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट जो खिताब जीता है, 69वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम के लिए,
ऑप्शंस हैं जूलिया गामा, दूसरी ऑप्शन है जेनिक मेकेता, ऑप्शन नंबर सी इज एंडेजा मेगजा और ऑप्शन डी इज एडलिन कैसेलिनो। तो ये जो चार नाम आपको दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं चारों खिताब के विजेता रहे हैं। कोई विनर है, कोई फर्स्ट रनर अप, कोई थर्ड रनर अप और कोई सेकंड रनर अप। तो आंसर जो है वह आ जाएगा एंड्रिजा मेजा, ये फर्स्ट रही। भारत से जो थी वो लास्ट है, में जो आप नाम देख रहे हैं एडलिन कैसेलिनो, ये थर्ड रनर अप रहे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसीलिए हमने ऑप्शंस उसी तरह से आपके लिए बनाए थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड विद छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। मूषक मृग हाल ही में कहां प्राप्त हुआ है? अब आपको मूषक मृग, जिसको आप माउस डियर भी कहते हैं, तो माउस डियर कहां प्राप्त हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है। यह भी पेपर में आया हुआ है, यह हमने डाला भी हुआ था। कांगेर घाटी, सीता नदी, अबूझमाड़ या अचानक मार। तो यहां ध्यान देंगे मूषक मृग जो है वह अचानक मार में प्राप्त किया जाता है, यह आप पढ़ते हैं। लेकिन हाल ही में जो मिला वह अचानक मार नहीं था, मैंने जानबूझकर या अचानक मार यहां लिखा। हाल ही में जो देखा गया है वह अबूझमाड़ के ग्रामीणों के द्वारा खेत में देखा गया था, जंगल में। इसीलिए आंसर आ जाएगा अबूझमाड़। लेकिन यदि पूछा जाए कि मूषक मृग का जो स्थान है वह कहाँ है, तो अचानक मार आपको आंसर ले लेना है, बेसिक की यदि बात की जाए। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदारों ने सोना खान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन किया। तो इनमें पूछ रहा है कि कौन कौन से वहां शामिल थे। पहले भटगांव, दूसरा छुई खदान, तीसरा देवरी और चौथा केंदा। सही उत्तर को चुने। तो यहाँ ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। तो 1857 का विद्रोह में आपको पता है कि जमींदार जो थे वीर नारायण सिंह, उनको क्या कर दिया था, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके अंग्रेजों से मिल गए थे। कहां कहां के जमींदार मिल गए थे? तो पहला आएगा आपका भटगांव के और दूसरा आ जाएगा आपके देवरी के। तो आंसर आ जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये घटना पता होगी, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इसे पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? और ऑप्शंस हैं रुद्री नवागांव, डोंडी लोहारा, तमोरा महासमुंद, नगरी सिहावा। इसका जो आंसर है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 की बात कर रहा है और 1920 में जो आंदोलन हुए थे वह आपको याद रखना है कि नगरी सिहावा का जो सत्याग्रह हुआ था वहां पर आपको वन कानून के विरुद्ध यहां आंदोलन दिखता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने राजधानी तुम्मांड से शासन किया। अभी अभी हमने जाना कि कलचुरियों की पहली राजधानी जो थी वह तुम्मांड थी, तो उसी में ही क्वेश्चन एक और पूछ लिया गया है यहाँ पर कि कौन कौन इसमें शामिल थे। तो यदि राजाओं की बात करें तो पहला नाम है लक्ष्मण राज, दूसरा है कलिंग राज, तीसरा है कमल राज और चौथा है रत्न राज। यहां भी हमें सही उत्तर चुनना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आजकल देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2, 3, ऑप्शन बी इज 2, 3, 4, ऑप्शन सी इज 1, 2, 4 और ऑप्शन डी इज 1, 3, 4। तो यहां जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, ऑप्शन बी आ जाएगा, क्योंकि जो लक्ष्मण राज थे वह यहां पर शामिल नहीं थे तुम्मांड से। बाकी तीन राजा वहां तुम्मांड से आपको राज करते हुए दिखते हैं, ठीक है। रत्न राज ने हालांकि क्या किया था, फिर बाद में रतनपुर का निर्माण भी कराया था, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं और हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले भी हैं इसको, कलचुरी इज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मराठा आधिपत्य के दौरान निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी संकट शुरू हुआ था? पिंडारी संकट की यदि बात करें तो आपको ऑप्शंस दिए हैं भिकाजी गोपाल, भवानी कालू, महिपत राव दिनकर और विठल दिनकर। तो यहाँ पर जो सूबेदारी व्यवस्था लागू की गई थी वहां पर यदि आप इसका आंसर देखेंगे तो भिकाजी गोपाल के समय पिंडारियों का जो संकट था वह छत्तीसगढ़ में चालू हुआ था, ठीक है। आगे बात करें सोमवंश के किस शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है। त्रिकलिंगाधिपति, सकल कोसलाधिपति, इस टाइप के जो अधिपतियों के जो उपाधि मिलती थी वह पूछा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, शिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त और भीमगुप्त। तो आंसर जो आ जाएगा वह आ जाएगा इसका महाभवगुप्त को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े।
और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नगर पालिकाओं को परिभाषित करता है। यदि आपने संविधान पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ जो ऑप्शन है देख लेते हैं, आर्टिकल 343O, आर्टिकल 243P, आर्टिकल 243T और आर्टिकल 243Q। तो यहाँ जो आंसर है वह आ जाएगा आर्टिकल नंबर 243P। ठीक है, यहाँ से नगर जो नगर पालिका है मतलब नगरी प्रशासन की जो अनुच्छेद है वह स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 1958 में रायपुर में हुए, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ 1858 होगा। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में सही है, आप कभी भी इंग्लिश वर्जन से ही मैच करिएगा जब भी आप क्वेश्चन बनाए। तो 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह में कौन सी रेजिमेंट का संबंध था। यहाँ रेजिमेंट का नाम पूछ रहा है। आपको पता है कि 1858 की जो लड़ाई थी जिसमें सैनिक विद्रोह जो हुआ था रायपुर में, उसमें हनुमान सिंह का नाम आप पढ़ते हैं और हनुमान सिंह के रेजिमेंट का नाम यह पूछ रहा है। तो यह आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीसरी नेटिव रेजिमेंट। यहाँ आप जो उनका नाम जरूर याद रखिएगा और इस घटना को भी याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक स्वीकृति की आवश्यकता सर्वप्रथम किसके द्वारा महसूस की गई। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जितने भी ग्राम पंचायत से संबंधित समितियां हैं उनकी समितियों के नाम और उनका क्रम आपको याद रखना चाहिए जब आप संविधान पढ़ते हैं, खास करके जब आप राज्य शासन के में हम पढ़ते हैं पंचायत, वहां पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है जीवीके राव समिति, तीसरा अशोक मेहता समिति और चौथा है एलएम सिंघवी समिति। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एलएम सिंघवी समिति। यहां पर आपको मिलेगा कि सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि संवैधानिक स्वीकृति मिलनी चाहिए। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, रुद्र ऑर्गेनिक जैविक ब्रांड किस जिले से संबंधित है। यह जो क्वेश्चन लिया गया है, यह आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा ऑड क्वेश्चन हो गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यह आपके इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में यह छपा हुआ है। यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं तो वहां से आपको ये फायदा मिल जाता है। तो रुद्र ऑर्गेनिक जैविक ब्रांड जिला पूछ रहा है, धमतरी, राजनांदगांव, कबीरधाम या दंतेवाड़ा। तो ये जो रुद्र ब्रांड है यह धमतरी से लिया गया है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो रुद्रिक नाम की जगह जो है वह धमतरी से में है, तो वहां से आप थोड़ा सा ध्यान दे करके कुछ कॉमन सेंस के थ्रू भी आप अपने आंसर्स लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कुल जल क्षेत्र का कितने प्रतिशत मत्स्य पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। बार बार ये क्वेश्चन आता है, 93%, 94.6%, 92.6% और 71.6%। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर तीन चार ऑप्शन एक जैसे हो, कभी भी आप ये ट्राई मत करिएगा कि मैं चौथे ऑप्शन को लगाऊं ताकि वो बहुत ज्यादा ऑड वन दिख रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वहां पर आप मत करिएगा, 95% केस में वो आंसर गलत रहता है आपका। तो अब बचे तीन ऑप्शन और यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 94.6%। ये सीधा सीधा डाटा है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की, तो छत्तीसगढ़ के किस भाग को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, रेन शैडो एरिया या रेन शैडो रीजन। अब वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर बरसात जो है वह नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो उसके पहले क्षेत्र के पहले क्या हो जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं और वह हवाओं को रोक करके जो क्षेत्र है उसको सूखा कर देते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ का दक्षिण है, उत्तर पूर्व है, पश्चिम है या पूर्व है। तो आपका ऑप्शन यहाँ आ जाएगा पश्चिम क्षेत्र, खास करके आपका वर्धा और जो आपके राजनांदगांव का एरिया है वह वहां पर यहाँ कहीं आपको दिखता है। और लास्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चेतना के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 1870 से 1900 तक निम्नलिखित सामाजिक और साहित्यिक संगठनों की स्थापना की गई थी। कौन कौन से थे इसको आपको चॉइस करना है। पहला है मालिनी रीडिंग क्लब, दूसरा है बुद्धि प्रकाश क्लब, तीसरा है कवि समाज और चौथा है बाल समाज। तो यहां पर जो ऑप्शंस आपको है बीसी, बीसीडी, एसीडी और एबीडी। तो यहां देखिए, मालिनी रीडिंग क्लब आपको दिखेगा, कवि समाज दिखेगा और बाल समाज दिखेगा। बुद्धि प्रकाश सभा, बुद्धि प्रकाश क्लब जो है
वह आपको यहाँ नहीं दिखता। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आप मान के चलिए कि सीजीपीएससी 2021 में आपको देखने को मिलेंगे। जब पेपर आएगा तब हम आपको वहां पर हम दावा आपत्ति करेंगे कि हमारे द्वारा लिया गया क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछा गया है। तो ऐसे ही टेस्ट के लिए आप जुड़े रहिए ग्रुप से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा VR Classes 20। वहां पर हम डेली करंट अफेयर्स और आपको टेस्ट और बाकी के अपडेट्स वहां मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है वह भी वहां ज्वाइन करिएगा। वहां पर भी उनके लिए द हिंदू का फ्री PDF आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है। UPSC भी आदि आप दिला रहे हैं तो आप वहां द हिंदू पढ़ सकते हैं फ्री में, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बहुत जल्द हम अपने VR क्लासेस का मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं जहां पर आपको CGPSC की क्लास मिलेगी। 1 अगस्त से मोस्टली हमने ये एक डेट डिसाइड की है कि 1 अगस्त से आपका जो बैच है CGPSC 2021 का वो प्रारंभ हो जाएगा। तो यदि आप चैनल से जुड़ जाएंगे टेलीग्राम तो आपको सारी इंफॉर्मेशन ऐप की लिंक वगैरह वहां आपको दे दी जाएगी। ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर लाइव कुछ ही दिनों पर आपको दिखने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको फ्री टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।